चलिए अब हम यहाँ पर स्वर बनाना सीखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी, फिर छोटा करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बनाएंगे अ। अ बनाने के लिए आपने तीन डॉट लगाया और ये यहाँ चौथा डॉट लगा दिया। 1, 2, 3। इसके पेट से डंडा निकाला और एक पुलिस का डंडा, तो ये हो गया अ। इसी तरीके से आ बनाने के लिए भी आप तीन डॉट लगाइए, 1, 2, 3, ये 4। इसमें भी 1, 2, 3, बीच इसके पेट से डंडा निकाला और पुलिस के दो डंडे लग गए। आ, अ से अनार, आ से आम। अब आपको तो छोटे से दो लाइन के अंदर लिखना है, तो दो लाइन के अंदर ही आप उसी तरीके से बनाइए, छोटा करके पहले आप बड़े का प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद छोटा बनाइए, ठीक है? ये अ, फिर आ, ये हो गया आ, ठीक है? फिर ई। ई बनाने के लिए भी मैं आपको इसको दो लाइन में बता रही, मतलब तीन लाइन में बता रही हूं। 1, 2, 3, 4, चार डॉट लगाएंगे आप। पहले सीधी लाइन, फिर रास्ता एक तरफ मुड़ा, फिर दूसरी तरफ मुड़ा, फिर पुच्छी निकल गई और उसके ऊपर में आपने पल्ला ढक दिया। अब इसी तरीके से बड़ी ए बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, पहले सीधा रास्ता, फिर एक तरफ चले, फिर दूसरी तरफ चले, फिर पुच्छी निकाल दिए, फिर इसके बाद इसकी मात्रा निकालिए, मम्मी का पल्ला निकाल दिए, ठीक है? इसको अब दो लाइन के अंदर कैसे बनाओगे? 1, 2, 3, 4, और ये छोटा सा आपने इसके ऊपर सिर झाँक दिया। बड़ी ई बनाते वक्त भी वैसे ही 1, 2, 3, 4 और मम्मी का आंचल लगा दिया, ठीक है? आंचल लगाते वक्त जो छोटी लाइन आपको दी हुई है ना कॉपी में, वहां तक ही जाना चाहिए मात्रा। अब आगे ऊ। ऊ बनाते वक्त इसको भी मैं बता रही हूं आपको कितने लाइन में, 1, 2, 3 लाइन में। सबसे पहले आपने ये इस तरह से हल्का सा कर्व किए, फिर इसके बाद इसको उठा दिए, ठीक है? ये बन गया ऊ। और बड़ा ऊ बनाते वक्त यहाँ पर हल्का सा कर्व किया और फिर इसको पूरा घुमा दिए और इसमें मात्रा निकाल दिए, बंदर की पुच्छी, ठीक है? और इसको आप दो लाइन में बना के देखिए कैसे बनेगा। पहले छोटा सा कर्व किए और फिर इस तरह से मिला दिया ऊ और बड़ा ऊ, पहले छोटा सा कर्व, फिर ये पूरा मिलाया और बंदर की पुच्छे निकाल दिए। और अब सबसे कठिन है री बनाना। री अगर आपने बनाना सीख लिया तो सबसे आराम से सारे अक्षर बना लेंगे। री को आप एक अलग पेज में बनाएंगे, पहले बड़ा बड़ा सीखिए और फिर उसके बाद आराम से उसको पूरा पेज भर के बनाना है, ठीक है? देखिए ध्यान से, पहले आपने लाइन खींचा, फिर पुलिस का डंडा खींचा, फिर यहाँ पर एक डंडा आया, उसी से निकल के दूसरा डंडा आया, फिर देखिए अब यहाँ से एक छोटा सा डंडा, वो गोल घूम गया, फिर उसको निकाला इस तरह से, ठीक है? तो ये बना आपका री। री से ऋषि। र जो है ये आपका जो रस भरी होता है या रसना होता है, वो वाला रसना नहीं है, ये री जो है ये आपका क्या है, स्वर है, ठीक है? ये मात्रा में प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब छोटा सा एक बार और बता देती हूँ मैं इसको, बड़ा ही आप लोगों को इस तरह से। फिर ये पहले ऐसे किया, ये किया, फिर इस तरह से लाइन खींचा, छोटी लाइन, ये और ये,
ठीक है, री। और अब इसको छोट दो लाइन में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, ये टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। फिर से आप देखिए, इधर लाइन खींचा, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो इस तरह से री बनाना आपको सीखना है, और री आप कैसे बनाएंगे, पूरे पेज भर के लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काम है, थैंक यू।